जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज हम भले ईडी कार्यालय के बाहर नहीं खड़े हो, लेकिन बरसात की वजह से ईडी कार्यालय के बाहर से हम अभी थोड़ी देर पहले आ गए क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है, लेकिन अपडेट जो है वो हम आपके साथ जरूर लेकर आए हैं। जी हाँ, आज जो अपडेट हमें निकल के सामने आ रही है ईडी में, पंकज मिश्रा जो कि सीएम हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि है उनके ऊपर गाज गिरी है। और कल हमने आपको ये बताया था कि ईडी के सवालों के बौछार से जनाब का बीपी लो हो जा रहा है, कभी बीपी हाई हो जा रहा है, इस वजह से उनको रिम्स में एडमिट कराया गया। ये हमने आपको अब तक अपडेट दिया था। अब जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है, हमने आपको ये भी बताया था कि पंकज मिश्रा के इतने बड़े बड़े खुलासे जो है जिसके बल पर जो ईडी है साहिबगंज के जो खदान तक पहुँच गई है, पैदल चल के खदान की मापी कर रही है, इस तरीके से चीज़ें हो रही है, बहुत कुछ निकल के सामने आ रहा है। लेकिन अब जो पंकज मिश्रा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंकज मिश्रा के खुलासे के बाद जी दाहू यादव, हमने आपको बताया था कि कैसे दाहू यादव ईडी के समन के बाद फरार हो गए थे, 18 जुलाई तक सब आ रहे थे, दाहू यादव फरार है, लेकिन साहिबगंज में जो एक टीम मौजूद है ईडी की टीम ने विभूति कुमार जो खनन पदाधिकारी है उनके साथ मिलकर दाहू यादव के घर गए और एक बार फिर से छापा मारी। आपको बता दें कि 8 जुलाई को, 4 से 8 जुलाई के बीच में छापामारी चली थी, दाहू यादव के घर में ईडी पहले भी जा चुकी थी, लेकिन अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि विभूति को लेकर फिर से दाहू यादव के घर जाना, पूरा छापामारी करना। आपको बताते कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ कागजात मिले हैं, कैश मिलने की ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं निकल के सामने आ रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है दस्तावेज को खंगाली है ईडी। जी हाँ, बहुत दस्तावेज निकल के सामने आ रहा है, उसको खंगाली जा रही है। ये आप समझ सकते हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले छापा मराया था, लेकिन पंकज मिश्रा के खुलासे के बाद फिर से ये घर पर, दाहू यादव के सेम घर पर फिर से छापा मारा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा का खुलासा यहाँ पे बहुत अहम साबित हो रहा है। और जो दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पिंटू जो कि मीडिया सलाहकार है सीएम हेमंत सोरेन के, ये जो है इनके जब से इनको समन भेजा गया है, 1 अगस्त को वो हाजिर होंगे ईडी के सामने, लेकिन सुनने मारे अंदर ही अंदर जो जेएमएम के विधायक है और जेएमएम के पार्टी के कार्यकर्ता वो बड़ा खुश है। जी हाँ, नाम न बताने के शर्त पर, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कहा जाता है कि पिंटू का जो है सीएम सोरेन पे और बहुत इन्फ्लुएंस होता है, दबदबा होता था उनका, आलम ऐसा होता था कि कई बड़े विधायक मिल नहीं पाते थे, परमिशन लेना पड़ता था, और सीएमओ में जो भी ये जो पिंटू जी का जो फैसला होता था, जो वो कहते थे वो अंतिम फैसला माना जाता था। जी हाँ, वो अंतिम फैसला होता था, तो इनके इशारे पर सबको करना पड़ता था काम। और पंकज मिश्रा ने भी ये बात की खुलासे किया है कि पिंटू के इशारे पर सारे काम होते थे। तो कहीं ना कहीं जेएमएम के कार्यकर्ता, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, अंदर के पार्टी के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि वो बहुत खुश है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत खुश है वो, पिंटू पे जो दबिश की गई है ईडी के द्वारा, इससे वो बहुत खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे सोरेन साहब, हेमंत सोरेन जो है वो बहुत भोले भाले, एक्चुअली वो अभिमन्यु है और वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और वो चक्रव्यूह का जाल बिछाया था पंकज मिश्रा और पिंटू ने, इन दोनों ने मिलकर फंसाया, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट हैंड से वो थोड़े उन भोले भाले हैं, इसलिए उनकी बातों में आ गए, लेकिन हमारे सोरेन साहब बहुत शरीफ है, कुछ ऐसे लोग आ गए जिसकी वजह से सोरेन साहब फंसते नजर आ रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और झारखंड को लूटने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, इसलिए सोरेन का नाम ना लीजिए इसमें। खैर, जो भी है, हेमंत सोरेन का नाम बार बार आना लाजमी हो जाएगा यहाँ पे, ना चाहते हुए भी, क्योंकि एक है पिंटू उनका मीडिया सलाहकार, तो वहीं दूसरा है उनके सीएम विधायक प्रतिनिधि, तो कहीं ना कहीं बार बार यहाँ पे सोरेन का नाम भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार पे संकट के बादल और ज़्यादा गहराए जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जब 1 अगस्त को समन होगा तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि पंकज मिश्रा के बाद जिस तरीके से एकदम हेक्टिक बैक टू बैक जो खदान पे एंट्री हो रही है ईडी वालों की, जब पिंटू पर गाज गिरेगी तब अगला स्टेप जो ईडी का होगा वो क्या होगा। ऐसी तमाम ईडी के अपडेट के लिए बने रहिए जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।